हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार तेजस आप लोगों को इसलब चैनल में स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने देख रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे, तो टू डे के हाल फिलहाल में जितने आए हुए क्वेश्चन थे हम लोग उसको डिस्कस कर रहे थे, वो हमने पार्ट वन कवर कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं पार्ट टू इसी का ही, ठीक है, प्रीवियस ईयर का ही पार्ट टू देखने वाले हैं। इसमें कुछ कुछ नए क्वेश्चन भी मैंने ऐड किया है, उसे भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो ज़्यादा ना देर करते हुए आज का हम लोग सेशन शुरू कर रहे हैं, जो हमारा क्या है टू डी के क्वेश्चन पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एक बात, जिनकी को भी किसी तरह कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा हो, वो हमें ज़रूर पूछे, ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं। ये जो टॉपिक है हमारे, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन का टू डी, अगर ये देखा जाए CHSL के मद्देनज़र से, ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो CHSL वाले को लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे हम लोग को अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो चलते हैं, ताकि CHSL अब होने ही वाला है, क्योंकि उसके फॉर्म अप्लाई शुरू हो गई, मतलब अब एग्ज़ाम उसके हो जाएंगे जल्दी, ठीक है। तो ज़्यादा ना करते आज हम सेशन शुरू कर रहे हैं। जो हमारा देख रहे हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ेंगे बढ़िया से एक एक करके। जैसे क्या बोल रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कुलर लॉन, ठीक है, इस 1232 है, ठीक है। तो बोला गया है कि देयर इज 7 मीटर वाइड पाथ अलॉन्ग द, फाइंड द एरिया, ठीक है, एरिया बोल रहा है, ध्यान दे रहा है। सर्कुलर लॉन है, मतलब ये हमारा सर्कुलर लॉन है, ये होता है सर्कुलर लॉन, ठीक है, जिसका बोला गया परिधि दिया गया है कितना, 1232। अब बोला गया है कि इसके एक चौड़ा रास्ता है, मतलब इसके बगल बगल से एक चौड़ा रास्ता है, ठीक है, ये 7 मीटर का है। तो बोला गया क्या, इसका एरिया निकाले ये वाला का, ठीक है। तो ये वाला का एरिया कैसे निकालेंगे, तब तक हमको इसका रेडियस पता नहीं रहेगा, थोड़ा नहीं निकाल पाएंगे। क्या होता है, ये हमारा क्या एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन गया कि नहीं बन गया। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एरिया क्या होता है बताइएगा, क्या होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल का एरिया, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही होता है। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग ये छोटा वाला आर पता करेंगे, छोटा वाला आर पता हो जाएगा तो बड़ा वाला आर आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दिया गया है कितना है, 7 मीटर का है। हम लोग निकालेंगे पहले ये छोटा वाला आर, छोटा वाला कैसे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। हमारा क्या दिया गया है कि पेरीमीटर दिया गया है लॉन का, ये वाली लॉन का कितना, 1232। तो क्या होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल, क्या होता है 2πr, तो 2π का वैल्यू 22/7, आर को आर रखते हैं, ठीक है, बराबर कितना है 1232 है, ठीक है। जो क्या करते हैं इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करते देखते हैं, काटेंगे दो बार में काटते हैं, दो बार में काटेंगे कितना, देखो 6 1 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे देख रहे हैं, काटते हैं देखते 22 बार में काटते हैं, 22 से कटता है क्या, 22 × 44 ये कितना हो गया, 22 × 44 1776 का 8 बार में कट जाएगा, मतलब क्या हो गया, आर बराबर क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे 28 × 7 196 होता है, ठीक है। ये हमारा आर निकल गया इसका, तो कैपिटल आर हमारा कितना हो जाएगा, मतलब क्या करेंगे, कैपिटल आर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, इसमें 7 ऐड कर देंगे, तो 7 ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा हमारा 203 हो जाएगा, ठीक है। उनमें एक मिनट, ठीक है, तो कैपिटल आर हमारा निकल गया क्या, 203 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा पाई का वैल्यू क्या आता है 22/7 लेना है, ठीक है, इंटू और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, क्या करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, एक बार घटा देंगे तो हमारा क्या जाएगा 7 आ जाएगा, एक बार जोड़ देंगे हमारा दोनों को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा हमारा 9 9, मतलब 3 99 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, देख रहे हैं 7 से 7 कट गया, गुना कर देंगे, गुना कर रहे हैं देखा जाए सबका यूनिट प्लेस पर चेक करते हैं, यूनिट प्लेस पर 0 है, 8 है, 6 है, यहाँ 8 है, इसको हटाते हैं, ठीक है। पर देखा जाए 8 को 2 जगह, क्योंकि यहाँ भी गुना करेंगे तो हमारा 8 आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वाले में देखते हैं, ठीक है, गुना करते हैं 22, मतलब 2 से गुना कर देंगे तो 22 से गुना कर देंगे, 22 से 19 हो गया, 22 × 198 और 19 कितना हो जाएगा हमारा, जोड़ देंगे 9 और 8 17, मतलब लगभग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, 7 आ गया लास्ट में, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कैसे हमने इसे निकाला है, बस इसे फास्ट कैलकुलेशन को रखना है, बाकी बन जाएगा आसानी से, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन था ही नहीं। इसी तरह क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं, ये देख रहे CGL का ही है, ठीक है, CGL के प्री का ही था 2021 वाले जो CGL हुए थे, तो मतलब क्वेश्चन इसी तरह से ही पूछा जाता है, ध्यान देना है।
ओके क्वेश्चन आता ही सही, बेसिक से ही आता है हमारा, कुछ ज़्यादा बड़ा ही आता है नहीं है, फिर भी हम लोग सात तरह के क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे, छोटे से बड़ा से सब कवर करेंगे, ताकि एग्जाम में किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उससे आसानी से कर पाए। ओके आगे देख रहे हैं, आगे क्या बोल रहे हैं कि ए मैन इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज ए स्क्वायर फील्ड डायगोनली इन 5 मिनट। 5 मिनट बोल रहा है कि मतलब क्या किस तरह का फील्ड है, स्क्वायर का है, उसके डायगोनल से क्रॉस करते हुए चला जाता है, मतलब क्या कहेंगे हमारा स्क्वायर फील्ड है, इसको बोला डायगोनली क्रॉस करता है, मतलब यहाँ से यहाँ आता है, जिसका स्पीड कितना दिया गया है 3 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, जिसको बोल रहा है क्या 5 मिनट में ही क्रॉस कर देता, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड निकालना है, हमें यार पता करना पड़ेगा, पहले ये साइड पता करना पड़ेगा, ये इस फील्ड का ये स्क्वायर ही है, स्क्वायर का अगर डायगोनल हमें पता चल जाएगा तो हम इसका एरिया आराम से निकाल लेंगे, तो डायगोनल कहाँ से पता लगाएंगे, यहाँ से पता लगाएंगे, क्यों बोल रहा है कि 3 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जा रहा है, स्पीड दिया गया है, टाइम दिया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस बराबर हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम होता है, डिस्टेंस बराबर हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड हमारा कितना दिया 3 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, इसको बोल रहा है कि मीटर में देना है आंसर, क्या देना है मीटर में देना है, क्या करते हैं इसको मीटर में चेंज करते हैं, यहाँ किलोमीटर है मीटर में चेंज कर देते हैं, ठीक है, मीटर पर आवर में, सॉरी मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं 5/18 से गुना करते हैं, ये सेकंड हो गया, यहाँ ध्यान दिया जाए यहाँ क्या मिनट में दिया गया है, 5 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर देंगे, ये हमारा हो गया, समझ में आ रहा है, ये आ गया, हो गया क्या हमारा, ये स्पीड हो गया यहाँ तक, ये हमारा क्या हो गया टाइम हो गया, ताकि ये मीटर पर सेकंड में इसको चेंज कर दिए, ठीक है, इस मीटर पर सेकंड में हो गया तो इसको भी हम क्या कर दिए सेकंड में बदल दिए हैं, ताकि जो हमारा यूनिट रहे सेम रहे, ठीक है, इसको आगे सोल्व करते हैं, सोल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखा जाए गुना करेंगे, ये 6 बार में कट जाएगा, 6 से काट देंगे 10 बार में कट जाएगा, कितना 5×5=25 मतलब 250 हो गया, ये 250 आ गया, यहाँ से यहाँ का बीच का 250, तो हमारा क्या होता है एरिया, हमारा क्या होता है डी, हमारा निकल गया, तो डी बराबर हमारा एरिया क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 2 होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 625/20/2 हो जाएगा, अब भागा दे देंगे, भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 3, 1, 2, 3, 1, 2, 5, 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही होगा, उसको भागा देंगे आ जाएगा हमारा ये आंसर। आगे चलते हैं, आगे देख रहे हैं, आगे देखिएगा बढ़िया क्वेश्चन को, इसको पढ़िएगा समझिएगा क्वेश्चन को, क्या बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है कि एबीसीडी स्क्वायर, एक स्क्वायर दिया गया है एबीसीडी है, जिसमें से बोला गया कि सर्कल इंस्क्राइब, मतलब सर्कल है, ध्यान हमें सिंपली समझना क्या कि इसका बोला गया कि ये निकाले एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन बोल रहा है निकालने के लिए, जिसका दिया गया है क्या इस स्क्वायर का एरिया दिया गया है क्या, इस स्क्वायर का एरिया 4 सेंटीमीटर पर स्क्वायर है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बोला गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ध्यान दर इसका 4 है तो मतलब इसका साइड कितना हो गया 2-2 का हो गया, साइड यही होगा ना, एरिया क्या है 4, तो साइड हमारा क्या होगा 2 हो गया, तब हमें क्या निकालना है ये वाला निकालना है, ठीक है, ये एक एक करके ये सारा क्या करते हैं ना, पहले एक पर फोकस करते हैं, एक समझते हैं हम लोग चारों को निकाल सकते हैं, ध्यान देने एक वाले हमारा क्या है, मान लेते ये हमारा सेंटर है बीच का, अगर इसको हम लोग इस तरह स्लिक कर दें ये हो गया हमारा, ठीक है, ये भी एक स्क्वायर की तरह हो गया, ओके मतलब स्क्वायर हो गया तो मतलब क्या हो गया ये एक भुजा हो गया, इसका साइड हो गया एक ये भी एक है, ध्यान देना है, ठीक है, समझते हैं इसको, इस पर समझ रहे हैं, पहले एक पर समझेंगे, एक का इसका एरिया शेडेड रीजन निकाल लेंगे, हम लोग 4 से गुणा कर देंगे तो सबका निकल जाएगा, क्या करते हैं पहले इस पर फोकस करते हैं, तो देखा जाए तो हमारा क्या है इस तरह का है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर क्या बना गया है, एक इस तरह का फूल बनाया गया है, फूल के जैसा समझेंगे, ठीक है, इसका हमें एरिया निकालना है, आगे चलते हैं, समझते हैं ना कि हमको इसका निकालना है, क्या करते हैं पहले इस समय यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, ये हमारा क्या हो गया डायगोनल हो गया, डायगोनल ड्रॉ किए हैं, क्या करते हैं ना एक बार इसको मिटा देते हैं, क्यों मिटा रहे हैं समझिएगा, पहले हमें क्या करना है यहाँ से यहाँ का पूरा एरिया निकालना है, यहाँ से यहाँ का एरिया निकालना है, क्या करते हैं ना इसको वाले को हटा देते हैं, नीचे वाले को हटा देंगे तो सिर्फ हम इसका एरिया निकाल करके और हम इसमें डबल कर देंगे तो हमारा इधर का भी हो जाएगा,
समझेंगे। पहले क्या करेंगे, इसका एरिया निकालते हैं, इसका एरिया, तो इसका एरिया हमारा क्या हो जाएगा, देखा जाए ये हमारा क्या है, किस तरह का एक बनेगा हमारा, ये हमारा क्या होगा, एक क्वाड्रेंट बनेगा। क्वाड्रेंट में से क्या करते हैं, ये ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, ध्यान दे रहे हैं, ये हमारा ट्रायंगल बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे यहां से यहां को, पार्ट को, तो क्या बचेगा, ये वाला एंस आ जाएगा हमारा, जो ये होगा वो भी ये होगा। क्या करते हैं, पहले इसका निकाल लेंगे ए ओ का, तो एक का निकल जाएगा, तो हमारे दो से गुना कर देंगे, हमारा एक पूरा का निकल जाएगा। ठीक है, पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर उसके बाद सोल्यूशन करूंगा। ओके, पक्का, क्या करते हैं, तो पहले इसका निकालते हैं, ठीक है, इसको इस तरह से कर दिए, इसका निकालते हैं, तो इसका निकालेंगे क्वाड्रेंट का, पहले क्या करेंगे, क्वाड्रेंट का निकाल करके ट्रायंगल को घटाएंगे, तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा हमारा, पाई बटा फोर, ठीक है, ए स्क्वायर, मतलब साइड ए, मतलब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, मतलब आर हमारा एक है, तो आर एक का स्क्वायर, माइनस क्या करेंगे, हमारा किस तरह का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया, बेस भी एक, हाइट भी एक, अब माइनस क्या कर देंगे, सॉरी ये हो गया हमारा, इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे क्या जाएगा, पाई बटा फोर, माइनस क्या जाएगा, वन बाई टू, ठीक है, इसको हल करेंगे तो क्या जाएगा, पाई माइनस वन बाई टू हो जाएगा, ये आ गया हमारा। अब क्या करें, ये एक का निकल गया, इसमें डबल कर देंगे, दो से गुना कर देंगे, ध्यान देना है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये दो का निकल जाएगा, अब ये दो में से निकल गया दो, ये पूरा का निकल गया, दो से गुना कर दिया, क्या करते, पूरा निकालने के लिए एक का, चार को निकालने के क्या कर देंगे, चार से गुना कर देंगे, हमारा यही क्या हो जाएगा आंसर, चार से ये चार कट गया, दो से गुना कर देंगे, तो टू पाई माइनस फोर आ जाएगा, तो टू पाई माइनस फोर कहाँ है, देखा जाए तो ऑप्शन नंबर दो में है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये हमारा है, ठीक है, एक तरीका ये निकालने का। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दे रहे हैं, दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं ना, पूरे रेक्टेंगल में, सॉरी पूरा स्क्वायर में से, ध्यान दे रहे हैं, हमें क्या निकालना है, ये वाले का एरिया निकालना है, ठीक है, ये वाले का एरिया निकालना है। अगर पूरे रेक्टेंगल में से क्या करते हैं, ये वाले को घटा देते हैं, ये वाला निकाल लेते, ध्यान देना है, ये वाला निकलेगा कैसे, अगर इस सर्कल को घटा देंगे, इस सर्कल को घटा देंगे, क्या निकल जाएगा, ये वाला निकल जाएगा, मतलब क्या हो गया हमारा, ये एरिया पता चल गया हमें, ठीक है। उल्टे से क्या करेंगे, फिर हम इसका एरिया निकाल लेंगे, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा, एक क्वाड्रेंट बन रहा है, तो चार क्वाड्रेंट बनेगा, मतलब एक सर्कल हम लोग माइनस कर देंगे इससे, एक सर्कल को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये वाला निकल जाएगा। जब ये पार्ट निकल गया, तो ये पार्ट निकलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, कि पूरे सर्कल में से क्या किए थे, एक बार इसको माइनस किए थे यहां से यहां तक, एक बार यहां से यहां हुआ है, ठीक है, ये वाला एक बार माइनस हुआ है, एक बार कहां से हुआ, एक बार यहां से माइनस हुआ है, वही हमारा क्या हो जाएगा, दो बार हमारा क्या किया, माइनस कर दिए हैं, क्या करेंगे, पूरे सर्कल में से, पूरे स्क्वायर में से इसको माइनस करते चले जाएंगे ना, इसको जो हम लोग एक बार किए हैं प्लस उसको, तो हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको एक बार कोशिश कीजिएगा खुद से करने का, अगर नहीं समझ में आएगा तब बोलिएगा, मैं अगले क्लास में इसको बता दूंगा, ठीक है, इसको खुद से कीजिएगा वो वाला तरीके से। पहले क्या कीजिएगा, इसका निकाल लीजिएगा, इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे स्क्वायर में से ये वाले घटा देंगे सर्कल को, तो ये वाला निकल जाएगा हमारा, ये निकल गया, फिर हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, ये वाला कैसे निकलेगा, पूरा स्क्वायर में से ये वाला माइनस कर देंगे, क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट है, चारों क्वाड्रेंट माइनस कर देंगे, तो ये वाला निकल गया हमारा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये वाले को पूरे स्क्वायर में से ये वाला निकल गया, और ये वाला निकल गया, तो पूरे स्क्वायर में से ये वाला प्लस ये वाला को घटा देंगे, हमारा ये वाला निकल जाएगा, बस सिंपल सा है, ठीक है। वो वाले भी खुद से कीजिए, कोशिश कीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि द इन रेडियस एंड द सर्कम रेडियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 3 सेंटीमीटर एंड 12.5 सेंटीमीटर, ये दिया गया, ठीक है। अब ध्यान दे रहे हैं, हमें क्या बोल रहा है, निकालने के लिए एरिया निकालना है, एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल को, किस तरह का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें क्या पता करना पड़ेगा, उसका बेस और परपेंडिकुलर पता करना पड़ेगा, तभी हम निकाल पाएंगे। हम कैसे पता करेंगे, ध्यान दे रहे हैं, क्या दिया गया, इन रेडियस दिया गया है, तो इन रेडियस बराबर हमारा क्या होता है, ध्यान देंगे, हम क्या निकालना है, सॉरी इन रेडियस दिया गया है कितना, 3, तो 3 हमारा क्या होता है, कैसे निकलता है, इन रेडियस पी प्लस बी प्लस सॉरी माइनस एच बाई टू बराबर क्या होता है, 3 होता है, क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस माइनस क्या कहते हैं, हाइपोटेनस
बटा दो करते हैं, ये हमारा क्या होता है इन रेडियस होता है, क्या जगह हमारा पी प्लस बी माइनस एच बराबर क्या आ गया 6 आ गया। अब यहाँ ध्यान दे रहे हैं हमारा क्या है सर्कम रेडियस दिया गया कितना 12.5, तो सर्कम रेडियस क्या होता है एच बाई टू होता है, ये निकालते हैं हमारा सर्कम रेडियस क्या होता है एच पर ही बनता है, हाइपोटेनस पर ही बनता है उसके हाफ पर, हम लोग जब थ्योरी कर रहे थे तो यहाँ देखे थे ठीक है, क्या होगा 12.5 हो जाएगा, तो एच बराबर हमारा क्या आ गया 25। ध्यान दे रहे हैं अगर यहाँ रख देंगे तो पी प्लस बी हमारा क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा, ये हो गया हमारा पी प्लस बी 31। अब ध्यान दे रहे हैं अब हम क्या करते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम से चलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करते हैं तो हमारा क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस हमें पता है कितना 25, तो 25 का स्क्वायर करेंगे क्या जाएगा 625। इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट, अगर सेकेंड इक्वेशन यहाँ से लाने की कोशिश करते हैं क्या करते हैं यहाँ दोनों स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या जाएगा 2PB इज इक्वल टू कितना जाएगा 31 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 961 ठीक है, 31 का स्क्वायर 961 क्या करेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू जो ये है हम लोग लाए थे कितना 625 यहाँ पुट कर देंगे कल निकल जाएगा ये वैल्यू निकल जाएगा क्या हो जाएगा हमारा 2PB बराबर हमारा क्या हो जाएगा उधर जाकर घटा देंगे कितना घटा देंगे 625 उधर घटा देंगे 625 घटा देंगे कितना जाएगा 25 और 35 36 336 हो जाएगा ठीक है, तो पी बी हमारा क्या आ गया पी बी बराबर इसको घट भागा दे देंगे तो 168 ये आ गया। अब ध्यान दे रहे एरिया हमारा क्या होता है एरिया बराबर हमारा क्या होता है ध्यान देंगे एरिया राइट एंगल ट्रायंगल हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस यही होता है। अब ध्यान दे रहे पी इंटू बी हमने लाया कितना है इतना लेके आया है तो सर कर देंगे इसका हाफ कर देंगे तो सी का हमारा क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 4 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, बस यही करना था ठीक है समझ में कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा कैसे ये आया है, बस हमें पी इंटू बी आ गया, पी इंटू बी हमारा अगर आ गया तो हम लोग जानते हैं एरिया क्या होता है हाफ इंटू पी इंटू बी ही करते हैं, बस पी इंटू बी आ गया इसका हाफ कर देंगे हमारा वही एरिया निकल जाएगा इसका ठीक है। आगे देखिए इसको समझिएगा बढ़िया से इस क्वेश्चन को ठीक है, क्या बोल रहा है कि एक सर्कुलर पेपर है जिसको फोल्ड करके इस तरह से डायमीटर इस रूप में बनाया गया है फोल्ड करके ठीक है, पहले एक बार मतलब कि इस रूप में क्या बोल रहा है कि डायमीटर के पर मोड़ा गया उसके बाद फिर से एक बार और मोड़ कर क्वाड्रेंट बनाया गया तो ये फिगर बनाया गया है लास्ट में इस महीने, तो बोला गया कि देन इट इज कट इन द शो मतलब शो में मतलब इसमें शो कर रहा है फिगर में कट किया गया है मतलब ये सब हमारा क्या है पार्ट कट किया गया है ठीक है, जिसमें से आगे क्या बोल रहा है कट करके कट पेपर ओरिजिनल पेपर से ठीक है फाइंड द रेशियो बोल रहा है कि ओरिजिनल पेपर का रेशियो से किसका बोल रहा है रिमेनिंग पार्ट का मतलब ओरिजिनल से रिमेनिंग में बना बताना है हमें ठीक है। अब ध्यान देंगे पहले क्या करेंगे पहले ओरिजिनल का निकालेंगे फिर क्या करेंगे रिमेनिंग का निकालेंगे, आगे क्या बोला गया आगे दिया गया है कि ओ ए बी का रेडियस कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर मतलब ये जो है इसका 5 सेंटीमीटर रेडियस है ठीक है, और जो इस सेमी सर्कल जो बनेगा ठीक है ये जो सेमी सर्कल है इस सब का क्या है 1-1 सेंटीमीटर का है मतलब ये 1-1 सेंटीमीटर का सब है। अब ध्यान दे रहे हैं ये हमारा क्या है पेपर है पेपर है, इसको मोड़ने के बाद ये बन रहा है तो अगर इसको खोल देंगे इसको काटा गया इसको खोल देंगे तो हमारा कैसा दिखेगा ध्यान दे रहे हैं ये हमारा क्या है सर्कल है, रीजनिंग वाले थोड़ा सा अप्लाई करेंगे रीजनिंग में इसी तरह पढ़ते हैं पेपर फोल्ड करते हैं उसके बाद काटते हैं तो किस तरह का फिगर बनता है ध्यान देंगे, जब इस फिगर बनेगा तो क्या अगर हम इसको पहले इस तरह से खोलेंगे इधर खोलेंगे तो क्या बनेगा यहाँ एक पूरा सर्कल बनेगा यहाँ भी ये क्या बनेगा एक पूरा सर्कल बनेगा ये भी एक यहाँ पर इस तरह से बनेगा सेमी सर्कल बनेगा, जब इसको पूरा इस तरफ से उधर खोल देंगे हमारा क्या बन जाएगा एक सर्कल यहाँ बनेगा 2 3 4 5 ठीक है, उल्टा इधर भी बनेगा 1 2 ध्यान देने छोटा बड़ा बन रहा है इसको एडजस्ट कर लीजिएगा सब बराबर बराबर है ध्यान देने सब क्या होगा बराबर बराबर बनेगा ठीक है, यही था हमारा क्या एक एक रेडियस था इसका इस सर्कल का यहाँ से यहाँ क्या था यह जो हमारा दिया गया था ये क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट का 5 था तो इस सर्कल का भी हमारा क्या होगा 5 होगा ठीक है, तो क्या करना हमें है हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है इसका एरिया पूरे बड़े वाले सर्कल का एरिया और हमें क्या निकालना है जो बचा हुआ भाग है बचा हुआ भाग ये वाला है जो बच गया हमारा काट इस तो कट के निकल गया क्या करेंगे ये पूरे बने से ये वाला जो सर्कल है इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला निकल जाएगा हमारा
एक एक करके निकालते हैं, पहले हमारा पूरा सर्कल, तो पूरा सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा हमारा पाई। अब कितना रेडियस है, पाँच है, तो पाँच करे, पाँच का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, पच्चीस आ जाएगा, मतलब क्या ले सकते हैं पच्चीस पाई, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या ओरिजिनल हो गया। ओरिजिनल समय क्या निकालना है, रेशियो किसका, रिमेनिंग का। ओरिजिनल हो गया, रिमेनिंग हमारा कितना बचेगा, ध्यान देंगे ये हमारा कितना टोटल 25 है, 25 हुआ ना 25 पाई। ठीक है, माइनस क्या कर देंगे, ध्यान दे रहे किस्त कितना हमारा है सर्कल है, सर्कल देखा जाए छोटा छोटा वाला, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ बनेगा, कितना बनेगा नौ बनेगा, तो नौ में नौ को माइनस कर देंगे, तो नौ इंटू पाई आर स्क्वायर, तो आई आर कितना एक है, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रह जाएगा, कितना जगह ये हमारा 25 पाई, कितना जगह 16 पाई, तो बस काट देंगे पाई से पाई काटेगा, अंदर क्या हो जाएगा 25 रेशियो 16 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, हमें ध्यान देना है इस चीज़ को है कि पेपर को फोल्ड करना है, उसको काटा जा रहा है, तो कभी पूछ देगा सिर्फ इसी का एरिया बोल देगा कि रिमेनिंग वाला का एरिया क्या होगा। ठीक है, यहाँ तो रेशियो बोला जा रहा है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से, हम उस सारा समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग को निकालना है, जो भी पूछता जो रिमेनिंग का, तो रिमेनिंग हमारा इतना बचता, सिर्फ ये छोटा छोटा जितना काट काटा गया है उसका एरिया बोलता, तो काटा गया एरिया क्या होता हमारा, ये होता। ठीक है, समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट को समझते चलना है कैसे अप्लाई हो रहा है। आगे चलते हैं, अगला क्या बोल रहा है, द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल दिया गया है क्या, ये ध्यान देंगे ना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर है, ये पाई होगा, ध्यान देंगे यह पाई होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देंगे, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, मैं अभी चेक कर रहा था तो थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट होकर टाइपिंग में एरर है, ये क्या होगा पाई होगा, ये भी हमारा क्या होगा पाई होगा। तो क्या दिया गया है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल दिया गया ए पाई, और एरिया क्या दिया गया बी पाई दिया गया है, जैसे मुझे बोला गया ए रेशियो बी दिया गया है इतना 4:5 दिया गया है, तो बोला क्या गया रेडियस निकाल। आगे चलते ध्यान देते हैं, पहले हम क्या दिया गया हमारा, फिर सर्कमफेरेंस दिया, सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr होता है, तो 2πr बराबर क्या दिया गया है ए पाई। ठीक है, देखा जाए तो r बराबर हमारा क्या जाएगा, ये पाई से पाई कट गया, तो r बराबर हो गया क्या a बाई टू। उधर से आगे देख रहे हैं, आगे हमारा क्या एरिया दिया गया है, एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर बराबर क्या दिया गया है बी पाई, बी पाई दिया गया है। ध्यान ध्यान देंगे पाई से ये पाई कट गया, तो r बराबर हमारा क्या हो गया रूट अंडर बी। अभी देख रहे हैं इक्वेशन, इसको मानते हैं फर्स्ट, ये हमारा क्या है सेकेंड, दोनों जगह देख रहे हैं यहाँ आर बराबर है, तो ये हमारा क्या है राइट साइड भी दोनों बराबर होगा, लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड बराबर, तो हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा ध्यान दे रहे हैं, तो क्या जाएगा ए बाई टू बराबर क्या जाएगा रूट अंडर बी हो जाएगा होगा। इसको स्क्वायर किधर कर देंगे, तो स्क्वायर किधर कर देंगे क्या जाएगा हमारा ए स्क्वायर बाई चार बराबर क्या जाएगा बी, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब आगे देख रहे हैं, आगे हमारा एक डाटा और दिया गया था क्या कि ए रेशियो बी, मतलब ए बटा बी बराबर क्या दिया गया था 4/5 यही होगा, ए रेशियो बी इज इक्वल टू 4/5 ये दिया गया है, मतलब क्या हो गया अगर बी का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकाल लें तो बी बराबर हमारा क्या आ जाएगा 5a/4 होगा, तो 5a/4 हम लोग यहाँ रख सकते हैं, तो रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर बाई फोर बराबर क्या हो जाएगा 5a/4। देखा जाए ये 4 से ये 4 कट गया, ये 1 से 1 ए कट गया, मतलब ए बराबर 5 आ गया, ए बराबर 5 आ गया, हम लोग यहाँ पुट कर देंगे तो 5/2 मतलब क्या जाएगा 2.5 आ जाएगा, मतलब रेडियस हमारा क्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, यही तो हमें निकालना था। ठीक है, समझ में कैसे करना है, बस डाटा को हर डाटा को इस्तेमाल करते हुए चलते चले जाना है। ओके, आगे चल रहे हैं, आगे देखेंगे क्वेश्चन को समझेंगे बढ़िया से, क्या बोल रहा है कि पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर एंड एस टी दिया गया है इज इक्वल टू 2, मतलब ये 2 दिया गया है यहाँ से यहाँ, और ये सारा साइड है 2-2 का। ठीक है, तो बोला क्या गया है कि पी टी इज इक्वल टू आर टी, मतलब ये वाले लेंथ, ये वाले लेंथ के बराबर है, तो बोला गया कि एरिया पी एस टी, मतलब इसका निकाले पी एस टी, मतलब ये वाले का इसका एरिया पूछ रहा है, इसका एरिया निकाल लेंगे, निकलेगा। अब ध्यान दे रहे कैसे निकलेगा, देखा जाए हमें अगर ना इसका निकालना है ये वाले का, ये वाले को कैसे निकाल सकते हैं, क्या करते हैं ना ये वाले ट्रायंगल में से, ये हमारा पूरा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में से अगर ये वाले में हम माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा ये वाला निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब ध्यान दे रहे हैं ये हमारा क्या है डायमीटर होगा, इस स्क्वायर का कोना से कोना जोड़ा जा रहा है, क्या है हमारा डायमीटर होता है स्क्वायर का,
ये डायमीटर हो गया, तो डायमीटर हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर पूरा क्या होता है टू, ये टू साइड है तो क्या जगह टू रूट टू होगा, सॉरी रूट टू ए होता है ना, टू रूट टू हो जाएगा हमारा यहां से यहां, ये टू रूट टू हो गया। अब ध्यान दे रहे हैं ये जो ट्रायंगल है पी ओ टी और आर ओ टी दोनों क्या एक सिमिलर ट्रायंगल होगा, सिमिलर होगा कि नहीं होगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, क्यों होगा देखा जाए, ये भुजा के बराबर, ये हमारा क्या है दोनों कॉमन है ठीक है, ये भुजा के बराबर, ये भुजा हमारा कॉमन है। अब देखा जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल भी ये एंगल के बराबर होगा, क्योंकि देखा जाए ये भुजा के बराबर है, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो देखा जाए तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, तो सिमिलर जब होता है तो इसका साइड भी क्या होता है उसी रेशियो में बराबर रेशियो होता है, मतलब ये रेशियो बराबर ये रेशियो हो जाएगा हमारा, तो सॉरी ये साइड बराबर ये साइड हो जाएगा दोनों ट्रायंगल का, तो बराबर हो जाएगा। देखा जाए टू रूट टू पूरा है तो क्या जाएगा रूट टू हो जाएगा, यहाँ से यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा ये रूट टू हो जाएगा, तो इसका एरिया हमारा क्या होगा। अब ध्यान दे रहे हैं ये ट्रायंगल है हमारा, तो इस ट्रायंगल का एरिया हमारा क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस हमारा क्या है रूट टू है, और हाइट हमारा क्या हो जाएगा ये वाला हमारा हाइट होगा ठीक है, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा, क्यों होगा कि हमारा कैसा है ये आइसोसेलस ट्रायंगल है, ये अगर देखा जाए पूरा तो ये हमारा क्या है बीच में परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, क्योंकि दोनों बराबर भागों में बांट रहा है, तो हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा तो देखा जाए तो इसका तो निकल गया, अब इसका निकालना पड़ेगा क्योंकि हाइट ये हमारा है, ये हमारा कैसे निकलेगा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दो दिया गया है, तो ये हमारा क्या होगा यहाँ से यहाँ रूट टू होगा, क्यों होगा क्योंकि हमारा क्या डायगोनल ही होता है ना, यहाँ से अगर इसको आगे बढ़ा दें तो हमारा क्या है डायगोनल ये हमारा यहाँ, तो क्या जाएगा हमारा इसका वैल्यू रूट टू प्लस टू हो जाएगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तो इसका एरिया निकल गया, अब माइनस क्या कर देंगे इसका एरिया कर देंगे, तो माइनस करेंगे इसका एरिया तो ये हमारा क्या क्या है स्क्वायर का वन फोर्थ भाग होगा, क्यों क्या होगा अगर हम इसको देखा जाए इसको इस तरह से मिला दिया जाए क्या होगा वन फोर्थ भाग होगा, क्योंकि चार भाग से पूरा कंप्लीट कटता है बराबर बराबर भागों में बट जाता है, डायगोनल क्या करता है बराबर बराबर भागों में बांट देता है, तो ये हमारा क्या क्या हो जाएगा वन फोर्थ हो जाएगा, इसका वन फोर्थ एरिया निकाल लेंगे तो वन बाई फोर, और क्या है एरिया साइड हमारा कितना दिया गया है ए, ए मतलब क्या दो दिया गया है, दो को मतलब स्क्वायर करेंगे तो चार होगा, चार से चार कट जाएगा मतलब एक हो गया यहाँ से यहाँ ठीक है, यहाँ इसका वैल्यू क्या आ गया एक आ गया, इसको हल कर लेंगे तो हल करेंगे तो क्या आएगा इसको रूट देखे जाए रूट टू बार में कट जाएगा, रूट टू बार में कटा इसको कॉमन ले सकते हैं रूट टू यहाँ पर, तो कॉमन लेंगे तो रूट टू से रूट टू कट जाएगा, तो यहाँ रूट टू कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारा ध्यान देना है वन प्लस क्या हो जाएगा ये हो गया क्या हमारा रूट टू, ये माइनस क्या जाएगा वन आ जाएगा, तो वन से वन कट गया क्या बचेगा रूट टू सिर्फ बचेगा, तो रूट टू हमारा कहाँ है ऑप्शन नंबर तीन में, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है। आगे चलते हैं इधर से बोल रहे क्वेश्चन नंबर इसको देख रहे हैं क्या बोल रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का पेरीमीटर निकालने बोल रहा है, जिसका बोल रहा है कि रेडियस दिया गया है और माइनर सेक्टर का एंगल दिया गया है 75 डिग्री। ध्यान दे रहे हैं मेजर सेक्टर क्या था माइनर सेक्टर क्या था समझेंगे, ये हमारा क्या है सर्कल है, ये हमारा क्या है सेंटर है, सेंटर से हमने ये ड्रॉ किया, ये वाले हमारा जो सेक्टर है ये एक सेक्टर है एक दूसरा सेक्टर है, तो ये जो छोटा वाला सेक्टर है इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, ये हमारा क्या होता है मेजर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर का एरिया क्या दिया गया है 75 डिग्री दिया गया है 75, तो 75 तो इतना क्या हो जाएगा हमारा 285 हो जाएगा होगा, क्यों कि टोटल कितना होता है हमारा 360 डिग्री का होता है, तो कितना हो जाएगा 285 हो जाएगा, तो इसी क्या बोलना है हमें सरकमफेरेंस निकालना है पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर निकाल लेंगे तो पेरीमीटर हमारा क्या जाएगा इस सेक्टर का पेरीमीटर थीटा क्या होगा थीटा बटा 360 क्या होता है 2πr 2π, तो लेना ही है पाई, आर कितना दिया गया 12, अब प्लस क्या करेंगे क्या होता है हमारा सेक्टर ये तो निकला यहाँ से यहाँ, पर हमें क्या करना है ये भी तो निकालना है ना, ध्यान देना ये भी निकालना है क्योंकि पेरीमीटर यहाँ से यहाँ पूरा होगा, तो ये भी क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे क्या मतलब 2r ऐड कर देंगे, प्लस क्या करेंगे 2r मतलब क्या होगा 24, r हमारा 12 है 24, उसको हल कर लेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखा जाए काटते हैं 12 36 तीन बार में कट जाएगा 30, तो काट देंगे कितना बार में कट जाएगा ये 15 बार में कट जाएगा, 15 से काटते हैं 15 इक्का 15 और 13 हो गया 15 9 35 से मतलब क्या हो जाएगा 19 पाई प्लस क्या हो जाएगा 24, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा
पाई प्लस 24, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आगे चल रहे हैं। आगे बढ़ रहा क्वेश्चन कि इफ द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलस ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, आइसोसेलस राइट ट्रायंगल, सॉरी आइसोसेलस राइट ट्रायंगल है, तो बोला गया कि इसका एरिया निकाले। आइसोसेलस राइट ट्रायंगल क्या होता है, ध्यान देंगे, ये हमारा क्या होता है, एक राइट ट्रायंगल ही होता है, मतलब समकोण त्रिभुज ही होता है, पर उसमें क्या होता है कि ये दोनों भुजा आपस में बराबर होता है, ये हमारा क्या होता है, राइट आइसोसेलस ट्रायंगल, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो गया हमारा, इसमें से क्या बोला गया है ना, उसका पेरीमीटर दिया गया ही है, तो बोला गया कि इसका एरिया निकाले। अब ध्यान दे रहे हैं जी, क्या होता है हमारा, जब ये हमारा क्या है राइट आइसोसेलस ट्रायंगल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये साइड ए है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, भुजा ए हो जाएगा। जब ये दोनों भुजा ए ए है तो इसका क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हमारा क्या हो जाएगा, रूट टू ए होगा, होगा क्या करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ध्यान दे रहे हैं, अगर इसी तीनों को अगर जोड़ा जाए तो क्या जाएगा हमारा, टू ए प्लस रूट टू ए बराबर क्या जाएगा हमारा, दिया गया है क्या, 15 रूट टू प्लस 1, ये दिया गया है। बस इसको कॉमन देखा जाए, कॉमन क्या आ जाएगा हमारा, रूट टू ए कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ए भी यहाँ इसमें भी रूट टू है, क्या जाएगा हमारा, रूट टू हो गया, यहाँ ये तो निकल ही गया था, यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, बराबर क्या आ जाएगा, 15 रूट टू प्लस 1। कंपेयर करेंगे देखा जाए दोनों तरफ ये है, दोनों तरफ ये, तो ये हमारा कट गया, बचेगा क्या, रूट टू ए बराबर हमारा 15 हो गया, तो ए बराबर हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा, 15/√2, ये बराबर 15/√2 हो गया, तो एरिया निकालना है, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब ए स्क्वायर कर देंगे, बेस इंटू हाइट हमारा क्या होता है, यही होता है ए इंटू ए ए स्क्वायर, तो ए बराबर हमारा कितना आया, 15/√2, तो 15/√2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 225/2 हो जाएगा, 225/2 हो जाएगा, 225/2 ये हाफ है, मतलब क्या आएगा, 225/4, 225/4 को, मतलब 225 को 4 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 200 मतलब 50 और 25 को करेंगे तो 6.25, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे बोल रहे हैं कि एक स्क्वायर पार्क है जिसको क्या बोला गया कि दो रेक्टेंगल में इक्वल रेक्टेंगल के एरिया में बांटा गया है, कहने का मतलब एक स्क्वायर है पार्क है, समझेंगे, तो क्या बोला गया ना कि दो बराबर भागों में बांट दिया गया रेक्टेंगल के रूप में, तो दो बराबर भागों में बांटेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक इस तरह का बनेगा रेक्टेंगल, यहाँ से बांटेंगे, मानते यहाँ से काट देते हैं, एक रेक्टेंगल ये एक रेक्टेंगल ये बनेगा, अगर मानते भुजा ए था हमारा तो क्या हो जाएगा इसका, ए बटा दो, ये ए बटा दो, ये हमारा ए होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो क्या बोला गया था कि आगे दिया गया है क्या, इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल दिया गया है क्या, 39, मतलब इसका पेरीमीटर दिया गया है, तो बोला क्या गया है कि निकालने क्या, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, मतलब इस पूरे स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है। अब ध्यान दे रहे, अगर इसका पेरीमीटर हमारा क्या होगा, 2 इंटू क्या होता है, ए प्लस ए बाई 2 होगा, तो क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो एल हमारा ए है, बी हमारा क्या होगा, ए बाई 2 हो जाएगा, किसके बराबर है, पेरीमीटर 39 के बराबर है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 3 ए बाई 2, 2 को उधर भेज दिए तो 2 को उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 78 हो जाएगा। ठीक है, काटेंगे, कटेगा, तीन बार में काटते हैं, तीन दूनी 6 और एक मतलब 26 बार में कटेगा, क्या देखा, ए बराबर 52 आ गया, तो 52 आ गया, हमें क्या निकालना था, इसका परिमाप निकालना था, कहीं गलती हो गया क्या, डायरेक्ट ये आ गया ए, एक मिनट, यहाँ कटेगा ना, सॉरी ध्यान देंगे, यह क्या हो जाएगा, अगर इसको किया जाएगा दो तो जब भागा में जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 2 गुना क्या हो जाएगा, 3 ए बाई 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, बराबर क्या हो जाएगा, 39 होगा, 3 से काट देंगे 19 तो ए बराबर क्या जाएगा, 19 आ जाएगा, यहाँ गलती हो रहा है ना, बार बार गलती हो जा रहा है, गुना करना, ए बराबर 13 आ गया, 13 आ गया ना, अब पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर हमारा क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू क्या कर देंगे, 13 कर देंगे,
क्या जाएगा हमारा 13 × 52 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। बस यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में गलती हो गया था, ठीक है, समझ में आए, वो सही कर लेंगे कैलकुलेशन। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। आज क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एज शोन इन द गिवन फिगर, फिगर दिया गया है जिसमें क्या बोला गया है ना कि इनसाइड द लार्जर सेमी सर्कल 3 सेमी सर्कल ड्रॉन, मतलब 3 को सेमी सर्कल बनाया गया है। और क्या बोला गया है कि जिसका डायमीटर बोला गया, ये बोला गया, तो फाइंड द रेशियो ऑफ द रेड टू ब्लू, मतलब ब्लू से रेड का एरिया निकालना है। अब ध्यान दे रहे हैं एरिया कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, ये हमारा मानते हैं सेंटर है सबका, छोटा वाला कब समझ रहे हैं, छोटा वाला सेल पहले लेके चलते हैं, छोटे वाले के निकालेंगे उससे हम लोग बड़े वाले तक पहुँच सकते हैं। मानते हैं अगर इसका रेडियस ए है तो ए हो जाएगा, ये भी ए, ये भी ए, ए ए ए हो जाएगा। अब ध्यान दे रहे हैं छोटा वाला का पहले एरिया निकाल लेते हैं, छोटे वाले सर्कल, छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, ध्यान दे रहे हैं एरिया क्या आता है, पाई बटा दो सेमी सर्कल है इंटू क्या हो जाएगा ए, हमने माना है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से कितना है हमारा, 3 है, तो 3 से गुना कर देंगे तो मतलब क्या आ गया हमारा 3 πa² / 2 हो जाएगा। ये छोटे वाले का हो गया, रेड वाले का। अब क्या करना पड़ेगा, हम लोग ब्लू वाले का निकालना पड़ेगा तभी तो उसका रेशियो निकाल पाएंगे। तो ब्लू वाले क्या होगा, बड़ पूरे में से रेड वाले को घटा देंगे तो ब्लू वाला हमारा हो जाएगा। तो रेड वाले का घटाएंगे, सॉरी पूरे का हमारा क्या रेडियस हो जाएगा, तो तीनों हमारा क्या जोड़ देंगे यहाँ से यहाँ पूरा, तो हमारा डायमीटर बनेगा, तो डायमीटर कितना हो जाएगा हमारा 6a हो जाएगा। तो 6a मतलब रेडियस हमारा क्या हो जाएगा 3a, तो 3a, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान देंगे इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई बटा दो, और 3a मतलब 3a का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 9a² हो जाएगा, क्योंकि यही होता है ना पाई r², तो a बराबर r बराबर हमारा कितना है 3a है, तो क्या हो गया हमारा, इसको सोल्व करेंगे तो 9 πa² / 2 हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा पूरा का निकल गया, हम उसको क्या करेंगे रेड वाला का माइनस कर देंगे, तो रेड वाला हमने कितना लाया है −3 πa² / 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6 πa² / 2 हो गया। ये हमारा क्या हो गया रेड वाला हो गया। अब निकालना क्या था रेड टू ब्लू, तो रेड ब्लू हमारा कितना है 3 πa² / सॉरी ब्लू आ गया ना, ये तो ब्लू है, रेड इधर करेंगे ना, रेड हमारा ये था ना 3 πa² / 2 काट देंगे, देख रहे 2 से 2 कट गया, πa² से πa² कट गया, ये कट गया दो बार में, लगा गया 1:2 आ गया जो कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। बस यही करना था सिंपली, हमें क्या करना था मान लेना था, मान लिए आसानी से ए मान लिए छोटे वाले का, छोटे वाले से हम लोग कर लेंगे ताकि आसानी से हम लोग निकाल पाए, छोटे वाले के निकल जाएगा तो बड़े वाले के हम लोग काउंट कर सकते हैं, छोटे वाले के ए मान लिए तो बड़े वाले के लिए हमारा क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। आगे देख रहे हैं, आगे देखते हैं क्या बोला गया है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल दिया गया है 86 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला है कि द नंबर ऑफ द रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ द ब्रेथ दिया गया है इतना इतना, तो बोला गया ब्रेथ निकालने के लिए रेक्टेंगल का। अब ध्यान दे रहे हैं हमारा क्या दिया गया है पेरीमीटर दिया गया, तो पेरीमीटर क्या था रेक्टेंगल का 2 × L + b बराबर क्या है 86, तो L + b हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू 43 हो जाएगा। ये हो गया एक क्वेश्चन हमारा, दूसरा यहाँ से निकालते हैं क्या दिया गया, ये एरिया दिया गया, ये क्या दिया गया ब्रेथ दिया गया है, तो एरिया हमारा क्या होता है L × b बटा क्या कर देंगे ब्रेथ कर देंगे बराबर क्या जाएगा 9/1 हो जाएगा। देखा जाए ब्रेथ से ब्रेथ कर दिया तो लेंथ बराबर हमारा क्या आ गया 9 आ गया, 9 का वैल्यू यहाँ लेंथ बराबर 9 रख देंगे तो 9 घटा देंगे यहाँ पर, तो 9 घटा देंगे तो क्या जाएगा हमारा b बराबर 34 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर b हो जाएगा। समझ में, क्योंकि यहाँ दिया गया था ना एरिया बटा ब्रेथ, एरिया बटा ब्रेथ का रेशियो दिया गया था, तो एरिया हमारा क्या था L × b, ब्रेथ हमारा क्या हो गया b, इसका हम लोग क्या कर देंगे रेशियो ले लिए बराबर इसके बराबर ये, तो यहाँ से हम लोग l आ गया L = 9, ये l के वैल्यू हम यहाँ रख दिए, यहाँ निकल जाएगा क्या ब्रेथ, बस सिंपल सा था, ठीक है। आगे देख रहे हैं, आगे बोला है कि द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल निकालना है, सबसे बड़े ट्रायंगल का, जो कि बोला गया इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का रेडियस दिया गया है 6। अब ध्यान दे रहे हैं हमारा क्या है, बनाते हैं पहले सेमी सर्कल, समझते हैं क्या है हमारा, ये सेमी सर्कल है इसमें क्या बोलेगा ना सबसे बड़े ट्रायंगल निकल बनाना है हमारा, तो सबसे बड़ा ट्रायंगल क्या बनेगा इसी भुजा पर बना सकते हैं, तो इसी को अगर बेस मान लेंगे तो ट्रायंगल हमारा क्या बनेगा ये हमारा ट्रायंगल बनेगा, यही बनेगा ना सबसे बड़ा, यही बनेगा इसी को बेस मान के बनाएंगे तो सबसे बड़ा ट्रायंगल हमारा यही बनेगा। तो बोला गया क्या इस ट्रायंगल का एरिया बताएं,
अब ध्यान दे रहे, रेडियस कितना दिया गया, 6, मतलब क्या गया यहाँ से, यहाँ का वैल्यू हमारा क्या दिया गया है, 6, तो पूरा हमारा कितना हो जाएगा, ध्यान दे रहे, पूरा यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, इस ट्रायंगल के लिए 12 हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल हमें एरिया निकालना है। ये हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ 6, ये 6 रेडियस है। अब ध्यान दे रहे, यहाँ से क्या परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये आ गया हमारा। अब ध्यान दिया जाएगा, अब इसका क्या करना है, हमें एरिया निकालना है ना, हमें पता ही नहीं किस तरह का ट्रायंगल है, तो क्या कर दिए हमने, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो क्या कर लेंगे हम लोग, हमारा बेस पता है, ठीक है, क्या करेंगे इसका ये निकालेंगे, ये तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हाइट भी हमारा कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, सेंटर है, सेंटर से सर्कमफेरेंस पर टच कर रहा है, तो ये हमारा क्या 6, ये भी 6, ये भी 6, क्या बन जाएगा, ये हमारा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हमारा, अभी हमने किया था, क्या था, हाफ इंटू ए स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 36 करेंगे, क्या हो जाएगा ये 18 हो गया, 18 ये यहाँ से यहाँ की इसका 18 एरिया, तो ये भी 18 होगा, क्योंकि दो बराबर भागों में बटेगा, यही होगा ना, ये बराबर हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 18 क्या हो जाएगा, 36, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो सिंपल सा था, आगे चलते हैं, इसको देखेंगे समझेंगे बढ़िया से। क्या बोला गया, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मतलब शेडेड रीजन इसका एरिया निकालना है, और एबीसीडी स्क्वायर है, एबीसीडी हमारा क्या है, स्क्वायर है, निकालते हैं एरिया, क्या बोल रहे इसका निकालना है, अब समझेंगे। एबीसीडी स्क्वायर हमें है, क्या करेंगे इसका निकालने के लिए, हमको पूरे स्क्वायर में से ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट को अगर माइनस कर देंगे तो हमारा ये पार्ट निकल जाएगा, और ये पार्ट को माइनस कैसे करेंगे, अब ध्यान दिया जाए, सबका सब हमारा क्या है 90 डिग्री है, होता है स्क्वायर है तो 90 डिग्री होगा, तो हमारा क्या है राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों राइट एंगल ट्रायंगल को माइनस कर देंगे पूरे स्क्वायर में से, तो हमारा एरिया निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, अब देखा जाएगा पूरे स्क्वायर हमारा कितना होगा, स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो क्या हमारा साइड दिया गया है 16, तो 16 क्या होता है हमारा 256 होता है, ये हो गया, माइनस करेंगे, माइनस किसको करेंगे, देखा जाए ये राइट एंगल ट्रायंगल ये है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या हो जाएगा हमारा 5, मतलब 80 हो जाएगा, यही होगा ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो 5 हो गया, 5 16 5 80 हो गया। उस तरह से इसका निकालते हैं, इसका हाइट तो दिया गया 8, पर हमारा क्या दिया गया, बेस नहीं दिया गया, ध्यान दे रहे, ये हमारा क्या 8 दिया गया है पर बेस नहीं दिया गया, तो बेस हम लोग कहाँ से निकाल सकते हैं, ध्यान दिया जाएगा, हम लोग निकाल सकते हैं कहाँ से, यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि 16 हमारा क्या स्क्वायर है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 16 पूरा होगा, तो यहाँ से यहाँ अगर 10 है तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, होगा तो कितना हो गया हमारा, हाइट निकल गया, बेस निकल गया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, इसको भी माइनस कर देंगे, कर दिए। यहाँ उसी तरह से यहाँ देखा जाए, ये भी 6 है, इसका हाइट हमें निकालना है, तो ये हाइट निकालने के लिए देखा जाएगा क्या होगा, हमारे से यहाँ 8 ये था तो ये भी 8 होगा, क्योंकि 16 पूरा है हाइट, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, इसको भी क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे जो आएगा हमारा वही आंसर हो जाएगा, देखा जाए बताते हैं कितना जाएगा हमारा 24 48 48, ये कितना हो जाएगा 256 माइनस का जाएगा 128 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घटा देंगे, घटा देंगे क्या जाएगा 16 में से 8 गया 4 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 4 में से 2 गया 2 1, मतलब 124 आ जाएगा, सॉरी 128 होगा ना, 128 हो जाएगा, 128 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में है, हमारा यही आंसर हो जाएगा। बस आगे चलते हैं, आगे हमारा एक वायर है जिसको क्या बोलो स्क्वायर के शेप में ढाला जा रहा है, ठीक है, स्क्वायर शेप का वायर है, ठीक है, मतलब स्क्वायर शेप इस तरह का वायर एक है, जिसका क्या दिया गया एरिया दिया गया है 169 है, तो बोला गया है कि इसी तार को अब क्या बोल दिया गया, सर्कल बना दिया गया है, इस तार को मोड़ करके अब सर्कल बना देते हैं, सर्कल बना दिया तो बोला गया क्या इसका एरिया बताएं, हम लोग एरिया इसका कैसे निकाल सकते हैं, अब ध्यान दे रहे हैं, ये जो जो तार है हमारा, जो ये तार था, ये तार को यही किया गया है, मतलब क्या गया है इसका सर्कमफेरेंस बराबर इसका सर्कमफेरेंस ले लेंगे, होगा कि नहीं होगा, तो वहाँ से हम लोग को क्या पता चलेगा, आर पता चल जाएगा, तभी तो हम लोग एरिया निकाल पाएंगे ना, क्योंकि तो जो भी हो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा क्या होता है इसी गेन होता है ना, हम लोग चाहे इसको सर्कल बना दे, ट्रायंगल बना दे, कुछ भी बना दे, हमारा क्या बनेगा
इस सर्कमफेरेंस को ही घुमाते हैं हम लोग हैं चारों तरफ, तो सर्कमफेरेंस को चारों तरफ घुमाएंगे तो ध्यान दिया जाएगा ये क्या दिया होगा 169 इसका एरिया है, तो इसका साइड कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, अंडर रूट करेंगे इसका 169 का, यही होता है ना साइड बराबर हमारा क्या होगा अंडर रूट ऑफ एरिया होता है, एरिया कितना दिया गया 169 13 हो गया हमारा, इसका क्या हो जाएगा पेरीमीटर हमारा क्या हो जाएगा 13 × 52 हो जाएगा, मतलब क्या होगा 2π आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा, क्योंकि इसका पेरीमीटर बराबर इसका पेरीमीटर, तो आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा ये 26 मतलब आर बराबर क्या आ गया हमारा 26π हो गया, इतना हो गया। अब क्या करना एरिया ही निकालना था, तो एरिया बराबर हमारा क्या होता है ध्यान देंगे एरिया बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो मतलब क्या होगा 26 × 26 / क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होगा, मतलब 1π से 1π कट गया तो 1π से 1π कट गया तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा ध्यान देंगे यहाँ 1π बचेगा मतलब क्या जाएगा 22 × 7 हो जाएगा, 22 × 7 हो गया, इसको सोल्व करेंगे देखा जाएगा कितना बार कट जाएगा 11 क्या होगा 13 गुना कर देते हैं, गुना कर देंगे क्या बोला गया है कि सेमी सर्कल निकटतम पूर्णांक लेना है, निकटतम पूर्णांक लेना सबको गुना कर देंगे 13 × 78 8 × 7 × 13 = 26 और 7 क्या होगा 33 हो जाएगा, गुना क्या कर देंगे 7 कर देंगे तो 7 से गुना कर देंगे क्या जाएगा 8 × 7 = 56 6 × 5 हो गया और 7 × 21 5 × 26 21 23 इसको करना 11 से भागा देना है तो 11 से भागा देंगे क्या जाएगा 11 × 11 = 22 क्या हो जाएगा 16 बचा तो 11 × 11 और यहाँ क्या हो जाएगा 50 मतलब लगभग क्या हो जाएगा 215 के आसपास आएगा, इसको करेंगे क्या जाएगा यहाँ 5 बचेगा ना 56 हो गया तो 11 × 55 हो गया मतलब 215 समथिंग होगा, तो मतलब अप्रॉक्स लेना था तो क्या जाएगा 215 आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक समझ में आ रहा है, किसी तरह कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा हो आगे देख रहे हैं। क्वेश्चन सब रहा है कि ना PQR इज ए ट्रायंगल है, मतलब PQR क्या एक ट्रायंगल है जिसमें से दिया गया एरिया उसका 180 cm². ठीक है और बोला गया कि पॉइंट QR में बोल रहा है कि ये बोल रहा है एंगल बाइसेक्टर है तो PR है और PR रेशियो दिया है व्हाट इज द एरिया ऑफ PSR ध्यान देते हैं PQR एक ट्रायंगल है बनाते हैं हम, ये क्या हो गया PQR जिसमें से क्या बोला गया है कि S इज अ पॉइंट ऑन SQ मतलब यहां क्या है एक S पॉइंट है, यहां एक S पॉइंट है मान लेते हैं जो कि बोला जा रहा है कि PS के एंगल बाइसेक्टर है मतलब ये एंगल बाइसेक्टर हो जा रहा है, तो एंगल बाइसेक्टर मतलब ये बराबर ये जिसका रेशियो क्या दिया गया PQ को दिया गया है 2 इसका दिया गया है 3, तो बोला गया है क्या किसका एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ PSR PSR मतलब इसका एरिया निकालना है तो इसका एरिया निकल जाएगा। अब ध्यान दे रहे हैं जब भी एंगल बाइसेक्टर होता है क्या करता है ना उस भुजा को मतलब बराबर रेशियो में बांट देता है, मतलब ये जितना है उसी रेशियो में इसका भी एरिया होगा, मतलब ये 2 है तो ये 2 एरिया हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा। ठीक है उसी रेशियो में क्या होता है एरिया भी डिवाइड हो जाता है, तो एरिया टोटल कितना दिया गया है 180 दिया गया है, यहाँ से देखा जाए एरिया कितना हो जाएगा टोटल 5 हो जाएगा, हमें क्या निकालना है 3 का निकालना है, बस 3 से गुना कर देंगे इसको भागा दे देते तो कितना बार में कट जाएगा ये 36 × 3 कर देंगे 36 × 3 कर देंगे क्या जाएगा 108 जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था हमें। ध्यान देना जब भी एंगल बाइसेक्टर होगा तो जो भुजा होगा ये वाला उसी रेशियो में इसका एरिया भी बढ़ जाता है, अगर 2:3 है तो 2:3 का एरिया में ये बट जाएगा। ठीक है आगे बोल रहा है क्या बोल रहा है कि द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 5 cm इफ द साइड ऑफ इज डबल बाय हाउ मेनी टाइम्स विल द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंक्रीज। इस तरह के हम लोग जब थ्योरी कर रहे थे देखे थे कि साइड को डबल कर देंगे साइड कितना परसेंट माइनस कर देंगे इतना परसेंट इंक्रीज कर देंगे। ठीक है तो यहाँ क्या बोलेगा डबल करना है, जैसे ही डबल करेंगे तो उसके एरिया पर हमें क्या पड़ेगा वो क्या हो जाएगा डायरेक्ट 4 times बढ़ जाता है। यही किए थे समझे थे हम लोग किए थे भी थे। आगे ये बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ इस साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन मतलब जो दिया गया है 10 cm का है, यहाँ ध्यान देने √3 √3 सब जगह है छूट गया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है
आज का थोड़ा सा हो सकता है मे बी टाइपिंग मिस्टेक हो, ध्यान देना है। क्या बोला, एक रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन हमारा क्या होता है, इस तरह का होता है, मतलब सारा साइड बराबर होगा, यही होता है हमारा। ये 10 का है, सारा 10 का होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला गया, तो इसका एरिया निकालें। अब देखा जाए, ध्यान दिया जाए, अगर हम इसको सबका मिला दिया जाए इस तरह से, अगर हम इस तरह से कर दिया जाए ना, ध्यान देना है, तो क्या बनेगा ना, 6 बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। जब भी हमें ध्यान देना है क्या हो, रेगुलर हेक्सागन हो ना, तो हमारा क्या बनेगा, 6 बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो अगर ये 10 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को निकाल लेंगे, अगर उसको 6 से गुना कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, पूरे का निकल जाएगा। ध्यान दे रहे हैं, तो क्या करते हैं, निकालते हैं पहले एक का। तो रेगुलर एक का हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो ए हमारा कितना दिया है, 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो गया, गुणा क्या कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये कितना बार हम कटेगा, 25 बार में, 25 × 6 = 150, 150 √3 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, इसको बस समझना था, हमेशा ध्यान देंगे। रेगुलर हेक्सागन 6 बराबर भागों में बढ़ जाता है, उसके डायगोनल को अगर मिलाए दिए जाएंगे इस तरह से। आगे देख रहे हैं, आगे बोला, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ईस्ट पेरीमीटर दिया गया है। अब देखा जाए, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका डायगोनल दिया गया क्या, यहाँ से यहाँ डायगोनल ये 17 दिया गया है। आगे देख रहे हैं, बोला गया क्या, पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर कितना दिया गया, 46। तो 46 दिया गया, तो मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ हमारा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। मतलब क्या, ये लेंथ हमारा है, ये हमारा क्या ब्रेथ है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आ जाएगा, 23 के बराबर आ जाएगा। तो ये और बी को ऐसा क्या माने कि हमारा क्या जाएगा, 23 आ जाए, तो ट्रिपलेट बने। जब भी दिखे ना 17 दिख जाए ना, जब भी दिखे 17, क्या है हमारा, एक राइट ट्रायंगल है हमारा, इस तरह का बनता है ये, क्या हमारा राइट ट्रायंगल, ये दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये हमारा राइट ट्रायंगल है। जैसे ही हमारा 17 दिख जाता है तो क्या हो जाएगा, हमारा लेंथ 15 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 15 8 जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा। अब 15 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर होता है। ये ट्रिपलेट है, हमें ध्यान देना है, 5 15 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर = 17 का स्क्वायर होता है। जैसे ही 17 दिख जाए तो हमेशा ही क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये भुजा हमारा क्या जाएगा, 15 और 8 के रेशियो में बट जाएगा। अगर देखा जाए 15 ये 8 ये, तो अगर जोड़ देंगे 15 8 23 सेटिस्फाई भी कर रहा है हमारा, ठीक है। तो क्या बोला गया था, एरिया निकालें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो 15 × 8 कर देंगे, क्या जाएगा हमारा, 120 हो जाएगा आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि एक काउ इज टेटन टू वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड विथ साइड 20 मीटर विथ ए रोप इक्वल टू द लेंथ ऑफ द फील्ड। तो बोला कि अनदर काउ इज टेटन एट द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर विद द ग्रेजिंग एरिया जस्ट टचिंग द, व्हाट इज द टोटल ग्रेजिंग एरिया। ध्यान दे रहे हैं, स्क्वायर फील्ड है हमारा, देखा जाए फिगर में समझते हैं, ये हमारा क्या स्क्वायर फील्ड है, जिसका क्या दिया गया है, साइड दिया गया 20 दिया गया है ना। और इसी साइड का क्या बोला गया कि रस्सी बांधा गया, काऊ को दिया गया, तो रस्सी बांधेंगे, मान लेते इस कोना में बांधा जाए तो रस्सी बांधेंगे तो ये ही हमारा बंधेगा, यहाँ से यहाँ चरेगा, यहाँ तक पूरा चरेगा रस्सी, ठीक है। ये हमारा क्या, इतना पूरा चलेगा काऊ, इतना पूरा चरेगा। अब देखा जाए, और जो बोला गया ना एक और गाय यहाँ बांधा गया इसके अपोजिट साइड में, अपोजिट कॉर्नर पर, अपोजिट कॉर्नर पर बांधेंगे तो कितना चलेगा, इतना ही चलेगा ना, कॉर्नर पर बांधेंगे तो यहाँ भी एक बनेगा क्या, क्वाड्रेंट बनेगा, इतना ही चलेगा। तो बोला गया क्या है, यही दोनों का क्या बोला गया, एरिया निकालने के लिए बोला, कितना वो चलेगा, मतलब इसका एरिया प्लस इसका एरिया ये निकालना है। क्या करेंगे, इसका एरिया पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें क्या दिया गया, ये 20 दिया गया है, हमें ये पता नहीं है, पहले इसको भी पता निकाल लेते हैं, पहले इसको भी निकाल लेते हैं, उसके बाद ही पूरा निकालेंगे। ये मैं कह रहा 20 है, अगर इसको यहाँ से यहाँ पूरा जोड़ दिया जाए, ध्यान दे रहे हैं, ये मैं क्या डायगोनल बनेगा स्क्वायर का, स्क्वायर का डायगोनल बनेगा। अब देखा जाए तो डायगोनल हमारा क्या आता है, 20√2 हो जाएगा होगा हमारा यहाँ से यहाँ पूरा। अब देखा जाए 20√2 है, ये हमारा क्या है, 20 है यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो यहाँ का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, 20√2 - 20 हो जाएगा यहाँ से यहाँ का, सही होगा ना, पूरे में से ये वाले घटा दें, क्योंकि हमारा क्या यहाँ से यहाँ 20 है, क्योंकि रेडियस है,
क्या क्वाड्रेंट का रेडियस है, तो जहां तक जाएगा ये भी रेडियस, यहां भी अगर टच करते तो ये भी रेडियस, तो 20√2 − 20 कर देंगे तो क्या होगा, 20 कॉमन ले लिया जाए तो क्या जाएगा हमारा बचेगा यहाँ √2 − 1 हो जाएगा, मतलब क्या आएगा √2 − 1, ये वैल्यू आ गया, तो पता चल गया सबका, इसका रेडियस, इसका रेडियस पता चल गया, बस दोनों का निकाल लेना है, दोनों का निकालेगा कैसे, इसका निकालेंगे एरिया, तो इसका एरिया क्या होगा क्वाड्रेंट है, तो क्या जाएगा हमारा पाई, पाई में ही देना है, तो पाई बटा 4a² मतलब 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 400 प्लस करेंगे, ठीक है प्लस करेंगे, इसका एरिया करेंगे तो इसका एरिया क्या आ जाएगा हमारा, ये भी हो जाएगा पाई बटा 4, ठीक है अब इसका भुजा कितना दिया गया, ये दिया गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 400 हो जाएगा, ठीक है इसका स्क्वायर 400, उसका स्क्वायर करेंगे तो a² − b² के रूप में हो गया, क्या होता है a + b × a − b होता है, इसको जोड़ देंगे तो क्या जाएगा a² अब b² करेंगे क्या जाएगा 3 − का जाएगा 2√2 हो जाएगा, होगा अब देखा जाए तो काटेंगे तो क्या जाएगा 100 बार हो गया, ये भी 100 हो गया, तो 100 पाई दोनों में है तो 100 पाई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा क्या, क्या एक बचेगा, ठीक है ये प्लस क्या हो गया ध्यान देंगे, यहाँ क्या होगा 3, ये क्या हो गया −√2 हो जाएगा, ठीक है जोड़ देंगे क्या जाएगा 4 यहाँ देखा 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे क्या जाएगा यहाँ 200 हो जाएगा, 200 पाई हो जाएगा, या 2 बचेगा, ठीक है यहाँ क्या बचेगा 4 था 2 कॉमन ले लिए 2 बचेगा, और माइनस का जगह √2 बचेगा, तो 200 π √2 कहाँ देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में है, ए हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है समझ में आ रहा है कि कैसे इसको निकालना था, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है निकालने के लिए इसको निकालेंगे क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ द क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलस ट्रायंगल है, राइट एंगल आइसोसेलस ट्रायंगल है तो बोला गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का लेंथ निकालना है, अब ध्यान दे रहे हैं तो राइट एंगल हाइपोटेनस क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस क्या होता है सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हमारा 1/2 a² होता है, a² बराबर हमारा क्या दिया गया है 72 दिया गया है, इतना दिया गया है तो हमारा a² बराबर क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, मतलब a बराबर हमारा क्या आ गया 12 आ गया, तो a बराबर 12 तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 12√2 हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है आगे चलते हैं, आगे देख रहे हैं आगे क्या बोल रहा गया कि द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड द सेंट्रोइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6 cm, तो बोला क्या गया व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, अब ध्यान दे रहे हैं हमारा क्या ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है वर्टेक्स से इसका बोला क्या गया है वर्टेक्स से सेंट्रोइड का, तो सेंट्रोइड हमारा क्या होता है ये बीच में होता है, ये होता है मतलब तीनों जो तीनों मीडियन जिस बिंदु पर मिलता है वही हमारा क्या होता है वर्टेक्स होता है सॉरी सेंट्रोइड होता है, तो ये 6 है तो हमारा ये कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 6 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है 6 ये हमारा 3 हो गया, तो हम लोग ये क्या होता है हमारा हाइट के बराबर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो बताइएगा हाइट बराबर अगर हाइट में मालूम हो तो क्या होता है हमारा h² / √3 होता है, ये हमारा क्या होता है उसका एरिया होता है, तो हमारा एच कितना दिया गया है 36 हो जाएगा, तो 9² = 81 बटा क्या हो जाएगा √3, तो काटेंगे तो क्या जाएगा 27 + 81 मतलब क्या जाएगा उसको √3 से ऊपर गुना नीचे गुना कर देंगे तो 3 हो गया, तो 3 से काट देंगे क्या जाएगा 27 √3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है जब भी हाइट पता होता है तो हाइट का पता हो तो हमारा इक्वेटर ट्रायंगल एरिया क्या होता है h² / √3 होता है, बस इसको अप्लाई कर देना है आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है तो यही था हमारा आज का क्वेश्चन था, आज का हमारा यही सेशन समाप्त होता है, कैसा लगा आपको वीडियो, कैसा लगा आपको सेशन, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।